बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त आलू वाले पकोड़े की भी आप क्रिस्पीनेस चेक कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से ये फूले फूले हुए हैं, आप देख लें। ये देखें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक ज़रूरी काम है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ रंग बिरंगी सब्जियों के बहुत ही क्रिस्पी किस्म के पकोड़े। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी बैंगन का, गोभी का, पालक का, आलू का, और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगी लहसुन का। इन सब्ज़ियों को अच्छे से धो लें और फिर हम मूव करेंगे स्टेप वन की तरफ, जो कि है बैटर बनाने का। अच्छा जी, पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए जो मैं चीज़ इस्तेमाल करूँगी, उनमें 2 कप मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अजवाइन, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, 1 टीस्पून के करीब नमक का इस्तेमाल होगा, 1/2 टीस्पून मैं सूखी हुई मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब भुना कुटा हुआ सूखा धनिया है, 6 से 7 जवे मैं इस्तेमाल करूँगी लहसुन का, और 2 टेबलस्पून के करीब बहुत ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको मिक्स करके हमने बैटर बनाना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और बैटर बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करूँगी, इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और अच्छे तरीके से इसको बीट करते जाएँ। जितना अच्छा बीट करेंगे आपके पकोड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और आपके पकोड़े जो है ना वो उतने ही ज़्यादा क्रंची भी होंगे। तो आप स्पाइसेस ऐड करने से पहले ही इसके जो लम्स हैं ना, जो छोटे छोटे बीच में आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे से आप जो है वो तोड़ लें और उसके बाद आप स्पाइसेस ऐड करें। इसमें आप ग्रेजुअली पानी ऐड करें, क्योंकि ये होता है कि जब आप फ़ौरन से पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं ना, तो उसमें लम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेन टिप ये है कि आपने इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स बीट करना है और इस तरह से बहुत ही स्मूथ टेक्सचर बनाना है। इसे बीट करते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको किसी किस्म का बीच में बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पकौड़ों को बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनाने के लिए या उनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए। तो ये जो है ना, ये छोटी सी एक टिप है कि आप जितना अच्छा इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपके पकौड़ों में आपको नज़र आएगा। तो अब आप देख लें, इसके लम्स तकरीबन सारे टूट चुके हैं। तो जब ये स्टेज आ जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर सारे स्पाइसेस 1 बाय 1 करके ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून भुना कुटा सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अब इनको मैं दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लहसुन के जवे बताए हुए थे, आप उनको ग्रेट करके डाल लें। तो ये आपका बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम साइड पे करते हैं और पकोड़े जो है उनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब आप बैटर बनाते हैं तो उसको कम से कम आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि जब आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं तो जो आपके पकौड़े बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैं भी इस बैटर को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी और फिर हम जाएँगे फ्राइंग की तरफ। कि जब आपने फ्राई करना हो उसी वक्त आपने करना यह है कि जो आपके पास ये कट की हुई वेजिटेबल्स हैं इनके ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, नॉट मोर देन दिस, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा आपने इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करना है और साथ ही आपने इस पर थोड़ी सी जो है ना ये
दरदरी मिर्च, ठीक है, ये जो आपके पास रेड चिली फ्लेक्स होते हैं आपने ये भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। इससे ये होता है कि जो आपके पकोड़े बनते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इससे पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मैं बैटर लूँगी और बिस्मिल्लाह करके इसमें वन बाय वन जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने कट की हुई हैं उनको इस तरह से कोट करूँगी, ठीक है। आप देख लें इस तरह से आपने इसको कोट करना है, ठीक है, और साथ ही आपने इसको ऐड कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टाइम टू टाइम आप इनको फ्लिप करते रहें ताकि बहुत अच्छे से ये दोनों तरफ से पक जाए। आप देखें, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, आपको इनके आवाज़ से अंदाजा होगा। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, देख लें आप देख लें कि किस तरह से जो है ना ये फ्लफी और फूला हुआ है, ठीक है, ये आप देख लें। तो इसी तरह से हम वन बाय वन बाकी भी फ्राई कर लेंगे। अब बारी आती है गोभी को फ्राई करने की, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करेंगे और गोभी को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से थिन कोटिंग करते जाइए और आप बिस्मिल्लाह करके इसमें ऐड करते जाएं। अच्छा, जब आप गोभी के पकोड़े बनाते हैं ना तो आपका जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। उसकी रीज़न ये होती है कि गोभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है ज़्यादा, तो आपने इसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई होगा ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इसको मीडियम रखना है। तो तकरीबन ये भी तैयार हो गए हैं, आप देख लें इनकी जो लुक्स है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये देखें, ये आपको क्लोज़र लुक में दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम से हैं। तो इनको भी डिश आउट कर लेते हैं। तो अब बारी आती है बैंगन की भी, इसको भी आप बहुत अच्छे से कोट कर लें, ठीक है। आपने जो कोटिंग करनी है बहुत थिक नहीं करनी, बहुत हल्की हल्की कोटिंग करनी है और एक्सेस जो बैटर है उसको आपने इस तरह से हटा देना है और बहुत ही स्लाइट सी कोटिंग के साथ आपने इनको फ्राई करना है ताकि इनके ऊपर जो क्रस्ट है वो बहुत क्रंची सा रहे, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम इनको भी ऐड कर लेंगे। आप इनके दरमियान थोड़ी कैपेसिटी ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा जब ओवर क्राउडेड हो जाते हैं तो फिर वो उस तरह से फ्राई नहीं होते। तो ये आप देखें किस तरह से ये फूल रहे हैं। हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, कोई मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद बीट करने की वजह से ये देखें कि कितनी खूबसूरती से जो है ना ये पकौड़े इस तरह से फूल रहे हैं। ये देखें, इसकी क्लोज़र लुक दिखा देती हूँ। जब ये पकौड़ा फूल जाता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो बैटर है, जो बेसन है, वो बहुत अच्छे से पक चुका है और जो अंदर इसके सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है, ठीक है। तो मैं आपकी क्लोज़र लुक दिखा रही हूँ, देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक आपके सामने आई है। इसको मैं अगर क्लोज़र दिखाऊँ तो आप देख लें कि जो इसका क्रस्ट है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म का है और ये देखें कि इसके अंदर जो वेजिटेबल है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है और इसके ऊपर जो बैटर लगा हुआ है वो इस तरह से फूला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रॉपरली कुक्ड है। अब बारी आ जाती है ग्रीन चिलीज की, इनके भी मैं पकौड़े बना लूँगी। सिर्फ मिर्चों को पकौड़ा बनाने से पहले ना सेंटर में से कट ज़रूर लगाएगा, अदरवाइज़ जो है ना ये ब्लास्ट कर सकती है, ठीक है, पटाखा मार सकती है। ओ, इंतहाई टेम्पटिंग किस्म की हमारी ग्रीन चिली की रेडी हो चुकी है। आती है पालक की, पालक को भी इसी तरह से हम डिप करेंगे इसी बैटर में। आप देख लें कि बैटर इतना थिन है ना कि इस तरह से जो है ये पत्ते के ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत एक्स्ट्रा जो है वो हमारी वेजिटेबल्स पे नहीं लगता, एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं होती जिसकी वजह से कच्चा कच्चा पन आए। बिस्मिल्लाह करेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। तो आप देख लें कि ये जो पालक के पकोड़े हैं ये भी बन चुके हैं, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और आप इनको देख सकते हैं, आपको क्लोज़र लुक में दिखा देती हूँ। ये देखें ये किस तरह से फूला हुआ है, ठीक है, ये देखें लाइक सेंटर में पत्ता है और साइड पे जो बेसन है वो इस तरह से फूला हुआ है, ठीक हो क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही क्रंची किस्म के पकोड़ों की रेसिपी है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और रमज़ान करीम में ये क्रिस्पी से पकोड़े बना के अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नई वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।